अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त स्कैल्पिंग इंडिकेटर लेके आया हूं, जिसको हम NAS 100 पे अप्लाई करने वाले हैं, लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। आपके सामने ये अकाउंट लाइव चल रहा है। इसके अलावा मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, उस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। उस ग्रुप में भी आपको डेली बेस पे एनालिसिस दिए जाएंगे, डेली बेस पे आपको सिग्नल प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ट्रेड लेने का ट्रिक्स बताया जाएगा, कितने पिप्स आपने प्रॉफिट रखना है, एसएल रखना है, सब कुछ आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप इस इंडिकेटर को देख रहे हैं कि किस तरह ये हाई लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा है। आपके सामने ये इंडिकेटर है, ठीक है। हमने क्या करना है, जस्ट ट्रेंडिंग प्रॉफिट लेना है, ट्रेंडिंग प्रॉफिट लेना है। आपके सामने जी देखिएगा, नीचे ये लाइन को टच हुआ है, ऊपर वाले फिर ऊपर निकला है, मतलब हाई के लिए निकला है। और हाई वाली लाइन को जब रेड लाइन को टच हुआ तो क्या हुआ है कि ये नीचे वाली लाइन को टच होने के लिए नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रेंडिंग है, हमने भी ऐसा ही करना है। एमए गलती मिस्टेक्स नहीं करनी, आप अपनी मिस्टेक की वजह से क्या करते हैं, लॉस करवाते हैं, ठीक हो गया। तो हमने भी ऐसा ही करना। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ मैं नस में ट्रेड लेने वाला हूँ, सेल की ट्रेड लेने वाला हूँ, और मैं क्यों लेने वाला हूँ, यहाँ आपने देखना, ये एक टीपी के एरिया को टच हुआ है। पहले हाई था, मतलब क्या था, 90 के एरिया में था, 90 के एरिया को टच होते हुए ये 50 के एरिया तक आ गया है, ये नो मनी कह रहा है। चलो रिस्क बड़ा है, लेकिन क्या है करेक्ट, हमने क्या करना है, करेक्ट प्रॉफिट लेना है, मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि फॉरेक्स में अगर मिस्टेक्स अगर बंदा करता है तो वो लॉस में जाता है। वो लॉस क्या होता है, आपका अकाउंट भी वॉश करवा सकता है, ठीक हो गया। तो अब जैसा कि आपके सामने मैंने ट्रेड ली थी, इसका जो प्रॉफिट है वो मैं नीचे तक रखूंगा। ये देखिए कितनी करेक्ट ट्रेड मैंने ली है यार, कितनी करेक्ट ट्रेड आपके सामने चल रही है। अब यहाँ क्या हुआ है कि ऊपर वाली लाइन जो मेरी थी, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंट थी, एक ट्रेंड लाइन थी, ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है। यार याद रखिएगा, जो भी इंडिकेटर होता है उसको समझने के ट्रिक्स होते हैं, उसको समझाने के मतलब काम करने के भी उसके कुछ रूल्स होते हैं। आप इंडिकेटर लगा लेते हैं, आपको पता नहीं होता, समझ नहीं होती। आप अगर वो 90 के एरिया को टच होता है तो बाय या सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये ट्रेंडिंग में कभी मत कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर सेल का या बाय का ट्रेंड चल रहा है ना, तो कभी भी मिस्टेक्स नहीं कीजिएगा भाई। ऐसी फिर क्या होता है कि वो एकदम से वो 90 या 10 या 15 तो अगर ओवरसोल्ड या ओवर जोन में चला जाए तो वो क्या होता है, बाय मुसलसल बाय जाता है। अगर वो सेलिंग में है तो वो 10 के एरिया पे आके रुक जाता है। तो जैसा कि आपके सामने ये ट्रेड ली थी, ठीक है, ये ऊपर भी देख लें, नीचे इंडिकेटर को भी देख लें। अब यहाँ क्या होने वाला था कि यहाँ ट्रेंड चेंज होने वाला था, तो इसी वजह से मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, ठीक है, और सोचा आपको भी इस चीज़ के बारे में बताया जाए। अब ये क्या होने वाला है, आपके सामने सिर्फ कुछ टाइम में मुझे $4 से $5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक हो गया। अब ये कैसे हो रहा है, मेरी जो ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये देख रहे हैं हमने कितना कितना प्रॉफिट लेना है। यार अगर आप इस तरह छोटे से ब्रेकआउट में भी आप बड़ा रिस्क लेके प्रॉफिट ले सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, विदाउट रिस्क, विदाउट लॉस। ये जो ट्रिक्स हैं ये विदाउट लॉस के लिए बता रहा हूँ। अगर रिस्क अगर लॉस होगा तो आपकी मिस्टेक्स की वजह से होगा। अब मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ ज़रा देखिए, गौर से ऊपर देखेंगे, नीचे इंडिकेटर को देखें, ये एक ब्लैक लाइन ने भी इनको क्रॉस किया, ब्रेकआउट दिया। अब ऊपर वाली जगह पे भी देख लें, ऊपर क्या हुआ है कि ग्रीन लाइन ने, ग्रीन ट्रेंड लाइन ने क्रॉस किया है मार्केट को, और जो रेड लाइन थी ट्रेंड लाइन वो मार्केट के ऊपर आ गई। अब यहाँ कितने एक ट्रेंड से हाई लो बनाता हुआ नीचे आ रहा है, मतलब कितने अच्छे मोमेंट से इसने क्या किया, एक हाई लो बनाता हुआ आ गया। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हमने एमए एंट्री नहीं ले लेनी, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है। आपके सामने क्या हो रहा है कि ये जो लाइनें हैं मार्केट के अंदर दरमियान में आ गई हैं दोनों। अब एकदम फिर क्या हुआ है कि यार फॉर एग्जांपल H4 है, फॉर एग्जांपल अगर ऊपर से ब्रेकआउट हो रहा होता, जैसा कि ये हो गया है, अगर हम वहाँ एंट्री ले लेते तो हमारे लिए ये बहुत प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना था। मैं नस की बात कर रहा हूँ, नस 100 की बात हो रही है, यहाँ तो बहुत प्रॉफिट हो जाना था हमें, ठीक है। इसको हम लॉन्ग टर्म में भी लेके जा सकते हैं। आप जब ये इंडिकेटर अप्लाई करना है तो आपने ज़रूर देखना है और फाइंड करना है कितने एरिया पर ये ट्रेंड में रहा है। ट्रेंड में जो होता है वो ट्रेंडिंग क्या होती है, हाई लो, ये ट्रेंडिंग मार्केट होती है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखिएगा, मार्केट कितने ऊपर से, कितने मज़े से ऊपर वाली लाइन को टच हुई है। पहले नीचे भी देख लें, अब ऊपर देख लें, यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, नीचे भी ब्रेकआउट हुआ,
और ऊपर भी ब्रेकआउट हुआ। जब ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो कैसे आपके सामने ये हाई लो बना और नीचे क्या हुआ, एक जोन एरिया आ गया। ये नीचे ज़रा देखिएगा, गौर करना है यार, ये बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं ये चीज़। अब यहाँ क्या हुआ, मार्केट एक तो यहाँ स्टेबल हुई है, यहाँ स्टॉप हुई है। जब स्टॉप हुई है तो नीचे भी देखें, इंडिकेटर ने भी बता दिया कि यहाँ मार्केट क्या हुआ है, स्टॉप हुआ है। और ये जो नीचे आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, इसको भी ज़रा देखें कि इसने ब्रेक कर दिया, मार्केट को क्या किया, ब्रेक किया है। तो यहाँ से यार स्ट्रॉन्ग बाय होना है, स्ट्रॉन्ग बाय में ये मार्केट क्या हो रही है कि गई है, और अच्छी खासी गई है। मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले हाई लो था, एक ट्रेंड था। जब ट्रेंड ब्रेक हुआ तो क्या होगा, आपने रुक जाना है। जब ये ट्रेंड स्टार्ट कर देगी, फॉर एग्जांपल जब ये हाई लो में स्टार्ट कर देगी, तो आपने धड़ाधड़ एंट्री घुसा देनी है। अब यहाँ आपने देखना, इस जगह आपने एंट्री नहीं लेनी। जब ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ऊपर ये लाइनों को क्रॉस करते हुए इंडिकेटर बताएगा कि यहाँ से क्या हुआ है, क्रॉस हुई है मार्केट। ये देख रहे हैं, ऊपर भी देख लीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट क्रॉस हुई है। तो हमने इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाना है, याद रखिएगा। ये अगर आप इसी ट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रॉफिट ले पाएंगे, अदरवाइज़ अगर आप अपनी मिस्टेक्स करेंगे तो उसके लॉस के जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। क्योंकि फॉरेक्स जो भी है, अक्सर लोग कहते हैं फॉरेक्स स्कैम है, फॉरेक्स स्कैम नहीं है, आप खुद अपने अपने साथ स्कैम करते हो। वो क्यों करते हो, वो रॉन्ग मिस्टेक्स कर रॉन्ग ट्रेड ले लेते हो। जब रॉन्ग ट्रेड लेते हो तो वो क्या होता है, लॉस में जाती है, आप लॉस में क्लोज कर देते हो। फिर आप कहते हो कि यार हमें लॉस हो गया है, हमारे साथ स्कैम हो गया। स्कैम नहीं होता भाई, फॉरेक्स से ये मार्केट है, ठीक है। यहाँ हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद से दिन में लोग आते हैं और जाते हैं, यहाँ से लाखों करोड़ों का बिजनेस, एक एक दिन का खरबों का बिजनेस हो रहा होता है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अक्सर लोग इसमें प्रॉफिट लेके जा रहे होते हैं, और अक्सर लोग क्या करते हैं, इससे लॉस करवा के जा रहे होते हैं, और जो लॉस करवाते हैं वो अपनी मिस्टेक्स की वजह से लॉस करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बाइंग एंड सेलिंग चल रही है, शेयर अप एंड डाउन हो रहे हैं, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। फंडामेंटल्स हैं, एनालिसिस हैं, वो भी आगे आपके साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, देखिएगा कि मेरी कितनी करेक्ट एंट्री थी, मैंने लाइव आपके सामने ये एंट्री ली थी। अब यहाँ क्या हुआ है कि इसने एक लो क्रिएट कर दिया है, और ये नीचे वाली लाइन को टच होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये एक हाई क्रिएट करेगा, लेकिन इससे पहले क्या करने वाले हैं, हम अपनी ट्रेडिंग क्लोज करके, ट्रेड क्लोज करके हम गोल्ड पे ट्रेड लेने वाले हैं। गोल्ड पे क्या करने वाले हैं, स्कैल्पिंग करने वाले हैं। वहां से भी हमने अकाउंट को थोड़ा सा क्या करना है, ग्रो करना है, ठीक हो गया। अब यहां जरा देखिएगा आपके सामने, ये देखिए ऊपर वाली ये लाइन को टच हुआ, ट्रेंड लाइन को टच हुआ है, और डाउन आ गया। अब ये डाउन जो डाउन आया, इसने क्या करना है, ग्रीन लाइन को टच होना है। अब मैं जल्दी से ना अपनी जो ट्रेड है ना, इसको क्या करने वाला हूँ, क्लोज करने वाला हूँ। हमें $92 का, मतलब $5-6 का क्या हुआ है, लाइव प्रॉफिट हो गया। अब हम नेक्स्ट पे गोल्ड देखेंगे, गोल्ड पे भी हम ट्रेडिंग लेंगे। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए क्या करना है, हमने गोल्ड पे भी ट्रेडिंग करनी है। याद रखिएगा यार, इंडिकेटर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप इंडिकेटर लगा लेते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंडिकेटर लगा लेते हैं, फिर आप ट्रेड लेने में फिर भी आप लॉस करवा देते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी आप क्या करते हैं, लॉस करवा देते हैं। और मैं जो ग्रुप नीचे प्रोवाइड करूँगा, आपने ज़रूर वो ज्वाइन करना है। उसमें आपको डेली बेस पे $10-15 का मिनिमम अकाउंट वालों को प्रॉफिट हो सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो प्रॉफिट आप लोगों को दिलवाएंगे, और ज़रूर दिलवाएंगे, ठीक है। आपके लिए एनालिसिस भी किए जाएंगे, आप चार्ट सेंड कर सकते हैं उस ग्रुप में, आप अपने एनालिसिस लगा के हमें चार्ट भेज सकते हैं, हम आपको करेक्शन भी करके देंगे कि ये कहाँ से अप हो सकता है, सपोर्ट क्या बनेगी, सब कुछ उस ग्रुप में बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द मैं वो ग्रुप क्रिएट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, आपने वो ग्रुप जो है वो ज़रूर ज्वाइन करना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद, अब ये देख रहे हैं आपके सामने मार्केट कैसे ये मूवमेंट कर रही है, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि आपने जस्ट हाई लो में ट्रेड करनी है। जो दरमियान में वेव होता है, वेव में हम हमेशा बड़े रिस्क में घुसते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर घुसते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर H1 पे वेव चल रहा है, वेव ट्रेंड चल रहा है, तो हम वहाँ ट्रेड ले सकते हैं। वेव क्या होता है कि ऊपर सपोर्ट, नीचे रिसेंट, रिसेंट से उठा, सपोर्ट से नीचे आ गया, अगेन रिसेंट से उठा, सपोर्ट तक गया, सपोर्ट से नीचे आ गया, इसको बोलते हैं वेव। अगर ये हाई लो बनाता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग में जा रही है। ट्रेंडिंग जो होता है, आप ये देखिएगा कि यहाँ नीचे वाली लाइन को आएगा, इधर से ग्रीन लाइन को भी ये टच करेगा। ऊपर से क्या हो रहा है कि ऊपर जब ये रेड लाइन को, मतलब हमारी जो रेड ट्रेंड लाइन है, उसको टच होके नीचे आएगा, ठीक है। अब आपके सामने, अब ये इतना हम प्रॉफिट अगर ले लेते हैं यार M1 पे, बड़ा रिस्क लेके, तो हमें अच्छा खासा
यहाँ प्रॉफिट हो सकता है। आपके सामने ये मैं निशान भी लगा रहा हूँ यार, मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है। इस इंडिकेटर में हमने यही चीज़ें फाइंड करनी है, इन्हीं चीज़ों को देख के ट्रेडिंग करनी है, इन्हीं चीज़ों को देख के हमने ट्रेड लेनी है, अपना रिस्क यहाँ ऐसी जो सिचुएशन पे आप रिस्क बढ़ा सकते हैं। और ये मोमेंट हमें जस्ट थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल होता है, जस्ट अवेलेबल हुआ, हमने ट्रेड ले ली, जैसे मार्केट ब्रेकआउट करते नजर आए, जैसे ये सिचुएशन क्रिएट हुई, आप निकल जाएं, फिर नेक्स्ट ट्रेड का वेट करें, फिर ले, फिर घुस जाएं, मतलब निकल जाएं। ऐसे आपने यार क्या करना है, प्रॉफिट लेना है। याद रखिएगा, मार्केट हमें हर टाइम भी प्रॉफिट देने के चक्कर में नहीं होती यार। मार्केट बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप हर टाइम भी प्रॉफिट मार्केट से नहीं निकाल सकते, ठीक हो गया। मार्केट हर टाइम भी स्टेबल नहीं रहती, क्रैश होता है तो अच्छा खासा क्रैश हो जाता है। जैसे गोल्ड ने पिछले दिनों बहुत क्रैश किया, मार्केट बहुत ज़्यादा अप हुई है एकदम से, या डाउन वेव में चल रहा था, फिर क्या हुआ, एकदम क्रैश आ गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन पे आपने मिस्टेक्स नहीं करनी, आप इस इंडिकेटर को फॉलो करते हुए बड़े बड़े क्रैश भी पकड़ सकते हैं। और मैं आपको लाइव नेक्स्ट वाली वीडियोस में आपको लाइव बड़े बड़े क्रैश जो होते हैं, बाय हो गया एकदम से बूम बाय या एकदम से बूम सेल, तो हम वो लाइव आप लोगों को पकड़ के दिखाएंगे और आप लोगों को ट्रिक्स बताएंगे कि ये कैसे किया। तो अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। जैसे कि मैंने बोला था कि हम लाइव गोल्ड पे भी क्या करने वाले हैं, ट्रेडिंग करने वाले हैं, लाइव गोल्ड पे भी हम ट्रेडिंग करने वाले हैं और वहाँ भी प्रॉफिट लेने वाले हैं अंदाजन 10-20 डॉलर का। और ये एक दिन में जस्ट थोड़े से टाइम का यार ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो चलो चलते हैं हम गोल्ड पेयर पे। यहाँ पहले भी आपको ये बाकी पेयर भी दिखा देता हूँ, बाकी पेयर यहाँ आपने भाई नहीं घुसना, मैं बार बार कह रहा हूँ। जस्ट ऐसी सिचुएशन पे जैसे ये हाई लो बन रहा है ना, हमने जस्ट इसी जगह पे ट्रेड लेनी है। और ये हल्के फुल्के जो ब्रेकआउट दे रहा है, ये आप लोगों को फंसाने के लिए होता है। जस्ट अगर हम जैसे कि एक छोटा सा एरिया फाइंड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, हाई लो बना, अच्छा खासा प्रॉफिट है यहाँ हमारा, अच्छा खासा प्रॉफिट है। जैसे ब्रेक होगा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ ब्रेक कैसे होगा, ये लाइनें जो हैं रेड एंड ग्रीन लाइनें, ये मार्केट को ब्रेक कर देंगी, मार्केट को क्रॉस कर देंगी, तो क्या होगा कि एक ब्रेकआउट हो जाएगा और कंफर्म वाला ब्रेकआउट हो जाएगा। आपको 2-3 से 4 एंट्रियाँ, 4 आपको कन्फर्मेशन एक चार्ट पे मिलेंगी। और इन्हीं चीज़ों का आपने क्या करना है, फ़ायदा उठाना है, ठीक हो गया। तो अब गोल्ड का चार्ट ओपन है हमारे सामने। अब क्या होगा, मार्केट ने ना क्या किया, पहले एक ट्रेंड में था, बाय ट्रेंड था, अब मार्केट इनके दरमियान में आ गई, लाइनों के क्या दरमियान में आ गई। और जब लाइनों के दरमियान में आ गई, आपको भी अच्छे से पता है कि वहां से क्या होता है, ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। यार मैं बड़ा रिस्क क्यों लेता हूँ, मैं कन्फर्म ट्रेड लेता हूँ और कन्फर्म रिस्क लेता हूँ और लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। मैं लोगों की तरह पहले से ट्रेड लेके नहीं रख के बैठ जाता कि आप लोगों को दिखाऊं ये करूं वो करूं। मैं लाइव ट्रेडिंग इसलिए करता हूं कि यार आपको बता पाऊं, आपको सिखा पाऊं कि यहां से क्या होना है। अब यहां से नंबर वन एक हाई बना, ठीक है। नंबर टू क्या हुआ है कि ये नीचे अगेन ब्रेक हुआ है, नंबर टू ये अप का होगा, नंबर थ्री ये अगेन डाउन होगा, 1-2-3-4 ये एक पैटर्न होता है भाई, हाई लो का भी एक पैटर्न होता है ये, इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन आगे मैं भी इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी लाइव चल रहा हूँ तो इतना टाइम नहीं है, ठीक है। और मैं आगे क्या करने वाला हूँ, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार कितना क्रैश हो गया यहाँ से, देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे टच हुआ है, 10 के एरिया को टच हुआ, ऊपर भी क्या हुआ, इसने ब्रेक कर दिया, लाइनों को क्रॉस हो गया। लाइनें जब क्रॉस करती हैं तो ये दरमियान वाला जो हिस्सा है, यही हमारा प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट लेके हमने मार्केट से रफू चक्कर हो जाना है, नेक्स्ट आना है, नेक्स्ट एंट्री देखनी है। और अगर हमें नेक्स्ट भी ऐसे मोमेंट देखने को मिल जाती है, हमने अगेन बाइंग सेलिंग शुरू कर देनी है और फिर अगेन थोड़ा सा प्रॉफिट लेके क्या करना है, मार्केट से निकल जाना है। और ये जो इंडिकेटर है, जस्ट M5, M1, M13 और H1 पे अप्लाई इजिली करना है आपने। H4 जो होता है आपको भी पता है कि वो बड़े, फिर वो बड़ा टाइम फ्रेम आ जाता है, तो वहाँ तो जो इसकी रीचिंग होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। जितना टाइम फ्रेम आप कम करेंगे, उतनी इसकी रीचिंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया, क्योंकि यह रीचिंग के हिसाब से चल रहा होता है। अब यहाँ गोल्ड को देख लीजिएगा, M5 की बात हो रही है, देख रहे हैं कितना अच्छा खासा प्रॉफिट छुपा हुआ है। ब्रेक हुआ और ऊपर वाली लाइन को टच हुआ, अगेन नीचे वाली लाइन को टच हुआ, अगेन ऊपर, अगेन नीचे, हाई लो और एकदम से ब्रेक होता है, हाई लो के बाद एकदम से ब्रेक होती है मार्केट, ठीक है। हमने जस्ट ब्रेक होने से पहले ही अपना जो है प्रॉफिट बुक कर लेना है, अपनी जो ट्रेडिंग है क्लोज कर लेने वाली है, ठीक है। जो मैंने लाइव ट्रेडिंग ली थी वो भी आगे आपको दिखाऊंगा, पहले यार इसको जरा एक्सप्लेन कर दूं, कितना बिग प्रॉफिट है यार M5 के हवाले से। ब्रेक हुआ
ऊपर वाली लाइन को ग्रीन को टच हुआ, अगेन नीचे, अगेन ऊपर, अगेन नीचे, ठीक हो गया। हमने भी ऐसे ही करना है यार, ऐसे ही हमने का करना है, प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही यार अगर आप मेरे ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स की वजह से कोई एंट्री लेते हैं तो आपको लॉस करवा देगी। तो मैं प्रॉफिट की तरफ चलता हूँ, ये देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया था 1, 2, 3, ये 3 वाले पॉइंट पे मार्केट आ चुकी है। आप 4 वाले पॉइंट पे जाएगी तो क्या होगा, बाय होगी मार्केट, ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ M1 पे किस तरह मेरी करेक्ट एंट्री है। यहाँ भी करेक्ट एंट्री थी, नस पे भी करेक्ट एंट्री थी, ठीक है। कितनी करेक्ट एंट्री मैंने सेलिंग की ली थी, लाइव आपके सामने मैं ट्रेड की थी, लाइव एंट्री ली थी और ये लाइव एंट्री चल रही है, ठीक हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं, M1 पे जस्ट हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो हम जो है जल्दी से ये टीपी एरिया को पहुंचने वाले हैं। इंडिकेटर नीचे से बता रहा है कि यार ये ना 50 एरिया को टच होने वाली है, इसके बाद हम इंडिकेटर की सेटिंग की तरफ चलने वाले। तो हमें यार बैठे बैठाए जस्ट आधे घंटे में 20 मिनट में क्या हुआ है कि अंदाजन 20 डॉलर का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब हम इंडिकेटर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर ना समझाए भाई, टेलीग्राम का लिंक मैं पीछे भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप वहाँ मुझे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके टोटल जो मूविंग एवरेज है वो 12 है, 12 मूविंग एवरेज है, ठीक है। आपने कोई भी मिस नहीं करना। कलर जो है, जो ट्रेंडिंग है, उनको आपने जस्ट रेड और वो सॉरी ग्रीन ही रखना है, अदरवाइज आप कलर की भी चेंज कर सकते हैं। जो फर्स्ट है, ये जो दो है ना, ये आपने लगा लेना, जस्ट फैला है 40 का, ठीक है। और एक है आपने क्या करना है, 2 का लगाना है। बाकी मैं सारी यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसकी सेटिंग, और यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चले मैं आपके सामने करता हूँ स्टार्ट, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। आपने जस्ट वही लगानी, ये एक 2 का लगा लें पहले और एक 40 का लगा लें, जस्ट ये तो पहले आप लगा लें, बाकी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो आपने लगाना है, आपने करना है 46, 47, 48, 49, 50। आपने क्या करना है, ये मूविंग एवरेज रख लेने हैं, इनका जो कलर होगा वो ग्रीन सॉरी रेड होगा, ठीक हो गया। 46, 47, 49, 50 कलर रेड, शिफ्ट क्या होनी है, 1 जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, नेक्स्ट में क्या है, तो आगे मैं आपके सामने शो करने वाला हूँ, ठीक है। आगे जो होगा 46 सॉरी, ये आप पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपने क्या करना है, शिफ्ट यहाँ क्या करना है, माइनस सॉरी 1 रखना है, खाली 1, बाकी सेटिंग सेम है। 46, 47, 48, 49 और 50 तक आपने क्या करना है, शिफ्ट 1 रखनी है। अगर जो नेक्स्ट है ना, वो भी आप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, 30 से ले के ना 35 तक रखना है, ठीक है। 35 तक, 31, 32, 33, 34, 35, बस शिफ्ट जो है ये -38 रखनी है, -38, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका जो कलर है ये ग्रीन है, 30 to 35 का कलर है वो ग्रीन है, और इसका जो शिफ्ट है वो -38 रखनी है, ठीक हो गया। अब ये होगी हमारी जो है कंफर्म। अब नीचे चलते हैं, RSI पीरियड 14 अप्लाई टू क्लोज स्टाइल 3 पिक्सल कलर व्हाइट। अगर आपका जो चार्ट है वो व्हाइट है तो व्हाइट रखना है, अगर ब्लैक है तो ब्लैक रखना है, ठीक है। आपके सामने 10, 30, 50, 85, 90, 15 आपने सेम यही लगा देने। इसके बाद मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 70 का है, 71 ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। आगे ब्लिंजर बैंड 10, 1.000 शिफ्ट क्लोज, अप्लाई टू क्लोज 4 पिक्सल। आगे लेवल्स पे चलते हैं, लेवल्स क्या हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 प्लस में है। आगे अगेन जो है वो माइनस में, ये अक्सर मैं पीछे भी काफ़ी बार आपको ये सेटिंग प्रोवाइड कर चुका हूँ, ये ट्रेंडिंग का, ये इससे हमें ट्रेंड का पता चलता है, ठीक हो गया। तो जब आप ये लगा लेंगे ना, तो हमारे पास ऐसा कुछ चार्ट शो होगा यार। अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है। इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।